थाईलैंड बैंकॉक में यह होटल का रूम लिया है क्योंकि यहाँ ठहरना है। तो आइए आपको भी दिखाता हूँ। ये चाबी इसके अंदर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इलेक्ट्रिक, तो ये सारी लाइट वगैरह चल जाएंगी, एसी वगैरह चल जाएंगे। अगर जैसे ही ये चाबी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ये रूम का व्यू है, एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है। ये एक दोस्त है हमारे साथ, दो बंदे और ये दो बेड। काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है होटल, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, नॉर्मली है। 1000 बात में एक रात के लिए यहाँ ठहरने का सिस्टम बनाया है। 1000 बात के अंदर दो बंदों का सुबह का नाश्ता भी शामिल है, तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। ये थाईलैंड में एक बंदे का एक वक्त के खाने का नॉर्मल 200 से 250 का व्यू है, खर्च आता है। पीने का पानी यहाँ मिनरल वाटर ही लेना पड़ता है, यहाँ वो फ्री पानी वाला सिस्टम नहीं है जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है। और ये होटल से आउटसाइड का व्यू, ये काफ़ी खूबसूरत और बुलंदोबाला इमारतें थाईलैंड के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। और मौसम भी एक कुदरती तौर पर बड़ा खूबसूरत मौसम होता है यहाँ पे, साफ़ सुथरा और नेचुरल ब्यूटी वाला मुल्क है, सरसब्ज और हरा भरा, क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं यहाँ। मौसम भी ना इतना ज़्यादा सर्द है ना गर्म है, अच्छा मौसम है। ये था होटल में हमारे रूम का व्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।